वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, श्री वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन प्रेम से गाए भक्ति में राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन में जाने 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 को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे के मिट्टी में चले जाइए, वहां पे पहुंचने के बाद भी क्षणिक वैराग्य आता है कि नहीं, कुछ भी अपना नहीं सुनने को मिलता है, कुछ भी अपना है ही नहीं, बहुत दौड़ भाग कर डालो, सब एक दिन चले जाना है। और जैसे ही घूम के आए, घर तक आए, फिर उस क्षणिक वैराग्य को भूल गए। ये कौन सा है? क्षणिक वैराग्य होगा। और दूसरा होता है दुर्गामी वैराग्य, जो गुरु कृपा से मिलता है, भगवत कृपा से मिलता है। और वैराग्य का अर्थ नहीं होता घर परिवार छोड़ देना ही वैराग्य है। वैराग्य को गीता में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को भी बहुत समझाया है कि हे अर्जुन, वैराग्य केवल घर परिवार को छोड़ना, जिम्मेदारियों को छोड़ना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य उसे कहते हैं कि अपने अंदर के विकारों का त्याग करना वैराग्य होता है।
हम अपने अंदर के विकार का परित्याग करें, हमारे अंदर अहंकार आ गया उसको हम धीरे धीरे समाप्त करें, वो वैराग्य है। हमारे अंदर मोह आ रहा है, कभी कभी छोटी छोटी वस्तुओं पे मोह आ जाता है कि नहीं, बड़ा लगाव हो जाता है, कोई बड़ा अच्छा कपड़ा रहे उसी से बड़ा लगाव हो जाता है, उसको दो चार छह बार पहना जाता है। नारद जी महाराज कह रहे हैं, शरद कुमार से कह रहे हैं कि मैंने गीता पाठैर मुहुर मुहुर, हे प्रभु शरद कुमार, मैंने गीता पाठ बारंबार गीता पाठ सुनाया, वेद पाठ किया, लेकिन जब तक मैं श्रवण कराता सुनाता तब तक तो ज्ञान वैराग्य उठकर बैठ जाते, और जैसे गीता पाठ पूरा होता, वेद पूरा होता, फिर वो मूर्छित हो जाते। अच्छा, सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी महाराज, अच्छा ये आप बताइए, आपने सब कुछ श्रवण कराया लेकिन क्या भागवत आपने श्रवण कराया? नारद जी क्या कह रहे हैं, सनत कुमार कह रहे हैं नारद जी से कि आपने वेद वेदांत गीता का पाठ किया लेकिन आपने भागवत श्रवण कराया, क्योंकि वांग्मय स्वरूप तो भागवत भगवान है। नारद जी महाराज कहे, मैं तो भूल ही गया। कभी कभी होता है कोई कार्य करना होता, आदमी दूर तक अपना संबंध ढूंढता है, सोर्स लगाता है, और कथा श्रवण करने का ये भी सूत्र है, कोई गा करके श्रवण कराए, कोई बजा करके सेवा दे, कोई दोनों हाथ से ताली बजा के सेवा करे, और कुछ लोग नाच करके सेवा करें, है ना। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। नारद जी महाराज देख रहे हैं, आश्चर्य देख रहे हैं, क्या कि जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हुए थे, आज वो ज्ञान वैराग्य उनकी चेतना वापस आ गई। नारद जी महाराज ने एक प्रश्न कर दिया, क्या? नारद जी ने कहा, गुरुवर कृपा करके ये बताइए, जो लोग कथा में बैठते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हीं को लाभ होता है, अथवा जो कथा से दूर रहते हैं उनको भी लाभ होता है, है ना भाई? जो पांडाल में है उसको तो श्रवण कर ही रहा, सुन ही रहा, लेकिन जो बहुत बुजुर्ग होगा, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विसारिणः श्रोतैश्मार्तेषु निष्णातो द्वितीयैव भास्कर। संत कुमार कहते, हे नारद जी महाराज, तुंग भद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। तुंग भद्रा तटे आत्मदेव पुरे तस्मिन्। ब्राह्मण देवता बड़े ही संतोषी ब्राह्मण थे, वैसे भी ब्राह्मण लोग बड़े संतोषी होते हैं, है ना, इसका मतलब नहीं होते, कोई रहस्य है, सभी लोग नहीं समर्थन कर रहे हैं। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जैसे हमारे आचार्य जी हैं, रुद्राचार्य जी, है ना।
ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए हैं। पहला क्या? दान देना। ब्राह्मण को चाहिए पहले दान दे, झगड़ा झगड़ा। अब कभी कभी क्या होता है, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, लोग फोन पे बात नहीं करते लेकिन व्हाट्सएप से बात कर लेते हैं झगड़ा होने पर, है ना। अब पहले क्या होता था, आज के 10-20 वर्ष पहले क्या होता था, अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो पति एक तरफ रहता था, पत्नी एक तरफ, 2-4 दिन तक बातचीत नहीं होती थी, है ना। ऐसे हुआ, दोनों पति पत्नी अब आपस में बोलते नहीं। भाई साहब को 5 बजे की ट्रेन पकड़ना था, ऑफिस जाना था, विशेष कार्य था, तो भाई साहब ने सोचा सुबह तो नींद खुलती नहीं है और पत्नी से हो गई लड़ाई तो बात बने कैसे। तो उन्होंने एक कागज पे लिखा कि सुबह 4 बजे जगा देना, नाश्ता तैयार कर देना, सुबह 5 बजे की ट्रेन मुझे पकड़नी है। और कागज लिख करके गैस चूल्हे के पास ले जा करके रख दिया। सुबह हुआ, देवी जी जगी, चाय बनाने गई तो देख रही है पर्ची लिखी हुई है 4 बजे जगा देना, नाश्ता तैयार कर देना। देवी जी ने नाश्ता तो बना दिया लेकिन नाराज हो गई बहन जी। बहन जी का ये देखो, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ कि बातचीत, अगर इतना ही कह देते कि सुबह जगा देना 4 बजे, इसमें क्या चला जाता है। बहन जी ने जगाया ही नहीं। अब भाई साहब की नींद खुली जो है सुबह 6 बजे, 5 बजे की ट्रेन गई। अब भाई साहब की जब नींद खुली 6 बजे, बड़ी तेजी से नाराज हुए। कभी कभी होता है जब काम बिगड़ जाता है तो पूरा क्रोध बहनों के ऊपर उतारते हैं लोग, है ना। भाई साहब नाराज हुए, अरे तूने जगाया नहीं, इतना विशेष काम था, ऑफिस नहीं जा पाएंगे। तो देवी जी ने कहा आपने बताया ही कब था। तो भाई साहब ने कहा मैंने बताया नहीं था लेकिन पर्ची में लिख करके चूल्हे के पास रख दिया था, गैस चूल्हे के पास। तो देवी जी ने कहा आप अपने तकिया को हटाइए, देखिए। तो जब तकिया हटाए तो देख रहे प्रभु जी ने क्या देखा, भाई साहब देख रहे कि एक कागज पे लिखा है 4 बज गया है, पति देवता 4 बज गया है, 5 बजे की ट्रेन में नाश्ता तैयार हो गया है, है ना। ट्रेन छूट गई। इसमें विनोद भी है, प्रसन्नता भी है और सीख भी है। क्या सीख है? ट्रेन छूटी तो नुकसान किसका हुआ? उसी परिवार का हुआ। जो कमाया प्यारे तूने, जो कमाया तूने, जो कमाया प्यारे दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जगत में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया जगत में। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये जीवन है, ओ,
तलक ये सांसे तब तलक ये रिश्ते सांस जिस घड़ी टूटी सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा तूने जो कमाया प्यारे तूने जो कमाया प्यारे तू सजा दिखाएगा क्या तू लेके आया जगत में क्या तू लेके जाए क्या तू लेके आया जगत में जिंदगी हकीकत है तू तो मान बैठा है जिंदगी हकीकत है तू तो मान बैठा है सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा तूने जो कमाया तू सजा दिखाएगा एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए और इस भाव के साथ में चलिए कि जो भी कुछ है किसका है ठाकुर जी का किसका है ठाकुर जी का तुम्हें वो माता चा पिता तुम्हें वो आप ही मेरे सब कुछ इस भाव के साथ में दोनों हाथ ऊपर करें जी महाराज देखे और ब्राह्मण देवता का मस्तक देख करके बोल पड़े क्या बोले न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिन्तातुरो क्या कहते हैं कहते हैं ब्राह्मण देव एक दो तीन नहीं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च नैव एक दो जन्म सात जन्म तक कोई संतान होने वाला अच्छा ये बताइए अगर कोई एक जन्म की बात कहे एक जन्म का भविष्य जान जाए तो थोड़ा दुखी होता है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल है धुंधकारी महाखल है बहुत दुष्ट हुआ धुंधकारी और जो गौ माता को फल खिलाया गया वो भी पूरा शरीर जो है मनुष्य का और कान किसका गौ माता का तो ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए अहोभाग ठाकुर जी की कृपा मेरी पत्नी को भी संतान की प्राप्ति हुई गौ मैया को भी हो गई तस्य नाम गोकर्ण बोले श्री गोकर्ण भगवान की गोकर्ण जी महाराज कौन है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी गोकर्ण महाराज पंडित भी है ज्ञानी भी है थोड़े में समझ ले कभी और समय मिलेगा पूरा प्रसंग पूर्ण करना पंडितो महाज्ञानी पंडित कोई अनिवार्य नहीं वो ज्ञानी भी हो इसकी हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते अन्यथा हमने बचपन में देखा हम लोग घर में फोटो लगाते थे हमारी दादी जी माता जी लोग लगाते थे श्रवण कुमार का फोटो
है ना। उससे एक भाव जगता था, बच्चा देखता था कि अपने माता पिता को समर जी लेकर के गए थे, और बच्चे के मन में भाव रहता था जब पिताजी माताजी बुजुर्ग हो जाते थे तो हम उनकी सेवा करेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश में 7,000 से अधिक वृद्धाश्रम है। अपने इस देश में जिस मां ने मुझे पाल पोष करके बड़ा किया, जिस पिताजी ने चलना सिखाया, जिस पिताजी ने अपनी पूरी संपत्ति दे दिया, आज वो माता पिता दर दर भटकते हैं। कल्याण पत्रिका में निकली है सत्य घटना, बताते हैं आपको कानपुर की ये घटना है। माता पिता गरीब थे, अपने खेत को बेच करके बच्चे को पढ़ाया, बच्चा पढ़ करके इंजीनियर बन गया, बड़ा इंजीनियर बना, बेंगलोर गया। एक दिन माँ बीमार पड़ जाती है और पिता के पास धन नहीं था, पूरी संपत्ति खेत बेच दिए थे पढ़ाने में। आज वो फोन करते जब अपने बच्चे को, तो बच्चा आता नहीं है, पैसा भी नहीं देता है। और वह व्यक्ति पिता न तो उस समझ नहीं पाए और वो पागल बन गए। उन्होंने सोचा कि मैंने जिस बच्चे को, एक बच्चे के लिए इतना कुछ किया, आज वो मेरा अपना बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, आज मेरी देख रेख नहीं कर रहा है। आप आज भी जाएंगे देखेंगे तो कानपुर के रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेंगे, विद्वान है। दुख की बात है कि आज ये स्थिति निर्मल छाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, कि हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसे माता पिता के, और एक बात बता दे रहा हूँ, कड़वा सत्य में बोल रहा हूँ भक्तों, वो स्वतंत्र है, इसी तरह से बुजुर्ग भी है। बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, अगर उनकी ये इस चीज को छीन लिया जाएगा तो उनके साथ हम अपराध कर रहे हैं, अनुशासन जरूरी है। इसी तरह से बुजुर्ग भी हैं, अगर बुजुर्ग से हम बात नहीं करेंगे, अपने माता पिता से बात नहीं करेंगे तो अवसाद में वो चले जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे। एक गाना गाते हैं, इस गाने की लाइन बड़ी सुंदर है, आप लोग सुने भी हैं। जो समझिएगा ये लाइन बड़ी गजब की है, थोड़ा इको कम ही रहे। तेरा किया आगे आएगा नहीं जाएगा, जिसने लिखा है। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया जागे जाएगा, सुख दुख है क्या सारे कर्मों का, जैसी करनी है क्या।
ज्ञान है महायज्ञ करिए और भगवान की सुंदर सी कथा श्रवण कराइए, आपके भाई का धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। और भक्तों एक बात और बता दें, धुंधकारी और आत्मदेव का तात्विक चिंतन करिए तो हम ही धुंधकारी हैं आत्मदेव भी। पूज्य श्री डोंगरेदास जी महाराज भागवत के बड़े मर्मज्ञ रहे, उन्होंने लिखा है कि ये शरीर जो तुंगभद्रा नदी है इसमें वास करती है आत्मा, ये आत्मदेव है और मन हमारा जो है वह जो है धुंधकारी हो गया। पांचों वेश्या पांचों इंद्रियां पांचों वेश्याएं हैं, मन आत्मा की बात नहीं सुनता है, इंद्रियों की बात सुनता है और एक दिन इसका अंत हो जाता है। आत्मा की बात हम सुनेंगे तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, श्रीमद महाभागवत गोकर्ण महाराज ने सप्ताह यज्ञ किया, ज्ञान महायज्ञ किया, सात बांस की गांठ, बैठने का जगह नहीं था, धुंधकारी बांस में जाकर के बैठा, खोखले पिशाच जाकर के बैठा और एक एक दिन कथा सुनता गया, एक एक ग्रंथ खुलती गई, बांस की एक एक गांठ फटती गई और अंतिम दिन सप्ताह के अंतिम दिवस आ रहे हैं और सबके सब बैठ करके देख रहे हैं कि धुंधकारी जो है आज भगवान के विमान में बैठ करके जो है जा रहा है। ऐसे श्रीमद् महाभागवत महापुराण है, बोले श्री भागवत भगवान की। तो यहाँ भी सात दिन का सप्ताह ज्ञान महायज्ञ है, समय अधिक हो रहा है।
कुटुम कहे निराकृत को पाप से है तार के श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती अमर एक लोग आरती से शीतल कर दे या पुष्प उठा के ऐसे घुमा दे शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत आत्री शीतलाय नमो नमः। अब आरती लेंगे सभी लोग 5-10 मिनट और बैठ जाएं व्यवस्था बना ले आरती और प्रसाद की आरती घुमा दे 4-5 भाई मिल करके और थोड़ा आरती लेते रहिए और पुष्पांजलि भी करते रहिए। हाँ सभी लोग बैठ जाए सभी लोग बैठ जाए एक काम करो अंजलि दे कर सुमन मन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव सेवा पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो मेरा शरण पड़े गणपति भगवान की शिव भगवान की श्री अम्बा मैया की हनुमान जी महाराज की गौ सरकार की ठाकुर सरकार की जय धर्म की जय हो नाश हो नारियों में
सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो, श्री राम मंदिर का निर्माण हो। चलो श्री रामचंद्र भगवान की। चारों पार्टियों के नेताओं से जय हो। पार्वती पते हर हर जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शुभ कर्म करने में
ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदवत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम पाद्यो पाद्यो हस्योरको मुखयाग्नियं सर्वांगी स्नानियं जलम समर्पयामि। राधा कृष्णाभ्याम नमः। सरोजारार्धि वंदा गर्भस्पाद समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम शालिग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाग जल पुष्पाणि समर्पयामि। हेलो 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 मनोज, आज बिल्कुल टाइट हो भैया तुम, ऐसा लग रहा हमें। देखो ऐसा है कि कल विशेष करके आर्गन से कुछ ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं कहेंगे, उनकी कुछ डिमांड हम कर सकते हैं। हरि ओम। कल अपने समय पे आ रहे हैं, उनको पता है कि जब तक माता जोगेश्वरी की आरती नहीं होगी तब तक जाके फायदा नहीं है। ऐसा नहीं, थोड़ा पहले आएंगे तो कुछ जो यहाँ पूजन होती है, बहुत कुछ होता है, उसका आशीर्वाद सभी को मिलेगा। गजेंद्र बदनम लंबोदरम सुंदरम विघ्नेशम मधुगंध लुब्ध मधुकम व्यालोलग माता शिशूना निधनं सुताना निशम्य घोरं परितप्यमा तदारुजद्वाष्पकुलाक्षी तमस्तान्त्वयन्नाहं किरे द्रौपदी जी रुदन करने लगी, रोने लगी।
द्रौपदी जी कहती हैं, इन बच्चों को जिसने मारा है इस शास्त्र विरुद्ध है। मत्तम प्रमत्तमुत्त सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भेति नरिपुं हन्ति धर्मांगित। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि मत्तम त्वमेको दहेमाना नाम पवर्गो वसिसं। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, ठाकुर जी कृपा करके रक्षा करिए, अन्यथा ये ब्रह्मास्त्र मेरा अंत कर देगा। और एक बात बता दें, इस सत्य बात, जब आदमी दुनिया से थक जाता है, जब दुनिया से हार जाता है, तब वो किसके शरण में जाता है? तब वो भगवान के शरण में जाता है। जब अंत समय में जाना ही भगवान के शरण में, तो क्यों ना हम पहले ही चले जाए। भगवान श्री ठाकुर जी ने कहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करने तो जानता है, लेकिन वापस करने की विद्या नहीं जानता। और कहा जाता है, आधा अधूरा ज्ञान अपने लिए घातक सिद्ध होता है ना? आज यही स्थिति हुई। ठाकुर जी ने कहा, हे अर्जुन, आप तो संधान भी करना जानते हो और ब्रह्मास्त्र को आप वापस भी करना जानते हो, इसलिए ब्रह्मास्त्र छोड़ करके इस ब्रह्मास्त्र को रोको और अश्वत्थामा को बंदी बना लो। और ठाकुर जी ने आदेश दिया है, गजब की बात, अर्जुन जी भी जानते थे ब्रह्मास्त्र छोड़ना, लेकिन जान रहे हैं, ये हमेशा जानते रहिए, अगर आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे, उनकी राय लेंगे, तो जीवन में सुखी रहेंगे। जानते हुए भी आप अपने से बड़ों से राय लीजिए, उनके जीवन का कुछ न कुछ अनुभव है। और अर्जुन जी ने संधान किया है, ब्रह्मास्त्र का अश्वत्थामा को बंदी बनाया है, और अश्वत्थामा को बंदी बना करके खींचते हुए घसीटते हुए व्यास जी महाराज, यथा हमृते वत्सार्थम् रोदिम् श्रीमुखी, पांडवों से कह रही हैं, सचिवं दूतं सौहृदा
दथ सार। कौन है? यम मन्य से मातुलियम, ये मेरे ममेरे भाई है, मेरे मामा के लड़के हैं। मातुल्य मन्य से प्रिय मित्र, में मेरे प्रिय हैं और मेरे मित्र हैं, सखा हैं। और अकरो सचिवम, ये मेरे सचिव हैं। अर्जुन जी, ठाकुर जी देखिए कह रहे हैं मेरे सचिव हैं, और इसके आगे क्या, दूतम, ये मेरे दूत हैं। सौ हृदय दत्त सारथिम, ये मेरे सारथी हैं। ये तो हो गया साहित्यिक शब्द, आज के समय के हिसाब से समझिए। प्रियपाधर मेरा नाचीरे, मैं तो मेरे नारायण की, आप ही हो गयो दासी रे, पग घुघरु बाध मेरा नाचीरे, पग घुघरु आप ही हो गयो दासी रे। इसको एक दिन बदलना पड़ेगा, मोतिया करके आवाज देगी, और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। एक ना एक दिन जाना है इसलिए मोक्ष के लिए। और एक चीज और आपको बताएं, मोक्ष हमने तो चिंतन किया और बड़े संतों के साथ में भी रहे, तो हमारी एक समझ में और आया कि मोक्ष इसी जीवन में भी है, अंतिम समय में। अगड़ा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनी, हे ठाकुर सरकार, ये जो मेरी बुद्धि है इसका विवाह मैं आपसे कर रहा हूं। वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनी, और मेरी इच्छा है कि अब आप ऐसे ही खड़े रहें। पीताम्बरी पहने हुए, मुस्कुराते हुए, मोर मुकुट पंख लगाए हुए आप मुझे देखते रहें, और मैं आपको देखते ही अपना शरीर छोड़ दूं। और भक्तों, सत्यता ये है कि पूरे जीवन का पुरुषार्थ तभी सफल होता है जब अंत समय में भगवान का नाम याद आता है। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। प्रेम से गाइएगा, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। प्राण तन से निकले, गोविंद
Thank you.